मेरे कमरे में चार कोने हैं एक तो दो तीन भाई जी दिमाग बंद। इसकी हरकतें यहीं खत्म नहीं होती है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम करवाएंगे अपने रूम का चक्कर, जिसको बोलते हैं टूर। लोग तो लोग सब जा रहे हैं उस चीज पे, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहा हूं, मैं भी करवाता हूँ अपने रूम का टूर। तो चलते हैं जी अपने कमरे का टूर करवाते हैं। तो ये रहा कमरा है, तो जाते हैं हम एंटर करते हैं कमरे में। तो ये लो जी हमने कमरे में एंटर की है। तो एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे कमरे में चार कोने हैं, तीन बिल्कुल बेकार है, यहाँ पे काम ही नहीं कुछ होता, और जो चौथा है यहाँ पे सोता हूँ जिसमें। तो उस साइड एक चीज है, उस साइड चार्जर का स्विच है, ये स्विच है जहाँ पे मैं फोन चार्ज रखता हूँ, और ये फैन का स्विच है जहाँ जब गर्मी होगी तो ऑन करते हैं, और ये एक बल्ब का स्विच है। तो इस साइड जी लो, इस साइड बिल्कुल पहाड़ का व्यू है, सुबह सुबह सवेरे जब उठते हैं तो मजा आता है देखने में, तो जबरदस्त है। और ये पर्दे वर्दे हैं थोड़ा सा, और ये ब्लैक बैकग्राउंड जो मैंने 5 साल पहले लिया था बैकग्राउंड के लिए, तो ये यहाँ पे ऐसे ही लटका हुआ है। और जी ये यहाँ पे लाइट्स वगैरह गिम्बल वगैरह है यहाँ पे जो मैंने रखा है, नीचे स्टैंड भी है, तो ये इस कोने में है। और जी ये मेरा देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें सजी हुई हैं, कुछ इधर उधर हैं, तो ये ऐसा ही होता है यहाँ पे क्योंकि मैं ज्यादा ठीक नहीं कर रहा, चीजें ऐसे ही रखता हूँ। तो गाइज तो ये था मेरा कमरा, तो इतना ही था इसमें। तो और एक चीज है यहाँ पे कपड़े कुछ है क्योंकि मैं ज्यादा कपड़े पहनता भी नहीं, और ये लटके हुए हैं इस साइड, इस पे भी मुझे डांट पड़ती घर वालों से। तो एक और अहम चीज है जो अब मैंने आपको नहीं दिखाई, जो अभी चल रही है वो है ये ऊपर फैन चल रहा है, तो ये एक लौता सहारा है इस गर्मी में। तो फिलहाल ऐसा इतना ही था मेरे कमरे में, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।